लोग पूछते हैं कि आखिर मोदी ने ऐसा किया ही क्या है, उनमें ऐसा खास है ही क्या। ये जानने के लिए चलिए चलते हैं दिल्ली से 12,026 किलोमीटर दूर दुनिया के सबसे बड़े हॉटस्पॉट और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के सेंटर डीसी वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस। ये है व्हाइट हाउस का ट्विटर हैंडल। इस ट्विटर हैंडल को दुनिया के 21.4 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, लेकिन खुद व्हाइट हाउस कितने लोगों को फॉलो करता है? सिर्फ 19 लोगों को। क्या 7 अरब 80 करोड़ की आबादी में सिर्फ 19 लोगों को? बात हैरान करने वाली तो है ही, क्योंकि इससे ज्यादा गिनती तो पूरी दुनिया में वर्ल्ड लीडर्स की है। इन 19 लोगों में भी 15 लोग तो अमेरिका के हैं, यानी दूसरे देशों के सिर्फ 4 लोग ही व्हाइट हाउस को फॉलो करने लायक लगते हैं। तो ये 4 लोग कौन हैं? चलिए ये भी देखते हैं। ये 4 लोग हैं भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, अमेरिका में भारत के राजदूत और एकमात्र पर्सनल हैंडल है नरेंद्र मोदी का। यानी मोदी के दो अकाउंट्स व्हाइट हाउस फॉलो कर रहा है। व्हाइट हाउस न पुतिन को फॉलो करता है, न जिनपिंग को, न शिंजो अबे को, न ऑलेंड को, न कैमरून को, न पोप को, न मार्केल को। वो फॉलो करता है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी को। समझ आ रही है मोदी की अहमियत, मोदी की ताकत और मोदी की बादशाहत? अगर अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं तो भाई आपकी अक्ल पर पड़ा पर्दा कोई नहीं हटा सकता। ऐसा दमदार प्रधानमंत्री आज तक भारत को नहीं मिला है और आगे मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है।